थोड़ी देर बाद आपको वादिया दिखाएंगे हम। हम वादे पम बोले पम बोले। रेबीज लगाना पड़ेगा एंटी रेबीज। अरे आउट लग गया तो सबके सब फंस जाएंगे। हां एकदम बर्फ के आगे एकदम पानी में नहाना अलग ही मजा आएगा कुछ। और इसी के साथ हम ट्रैक की ओर चलते हैं। आप थोड़ी देर बाद आपको वादिया दिखाएंगे हम। ये देखो पैच, आप इन पैचों पे हमने चढ़ना है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है और इस पैच के बाद आपको सब तरीके दिख जाएगा। डिप्रेशन अभी रास्ते का है लेकिन एक्साइटेड भी हूं। गाइस हम जा रहे थे आज सप्तऋषि, तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी पुलिस चौकी मिली जिसमें हमें सर ने बोला कि आप नहीं जा सकते क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, स्लाइडिंग भी हो रही है, तो चक्कर से हम नहीं जा पाए। तो सोच रहे हैं कि आज यहीं पे कैंप करेंगे, कल फिर वापस जाएंगे, लेकिन हम सितंबर में पक्का आएंगे। और गाइस प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि जो बाइकी हैं अंदर पुलिस वाले, उनका कहना भी ठीक है कि अभी लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी है। और हम लोग अब यहीं पे अपना कैंप वैम्प कर रहे हैं, बाकी हम यहीं चिल आउट करेंगे आज। क्यों करेंगे, दुख है लेकिन क्या करें, बस क्या कर सकते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है। नेक्स्ट टाइम बिकी भाई पक्का, पर फिर भी हम आज पूरा एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। यहां पे हमने भाई से परमिशन ले ली है और यहीं हम अपना सेटअप वेटअप कर रहे हैं। भाई जी आज थोड़ा सा दिल नाराज है जिसके लिए आए थे मेरा, क्योंकि मेरा अगर ये वाला ट्रैक होता तो यमुनोत्री के मेरे लगभग सारे ट्रैक थे, इसके बाद गंगोत्री के ट्रैक होते, फिर आपको दिखते चमोली में कुछ बात, फिर चमोली के बाद दिखते आपको पिथौरागढ़ और उसके बाद सारा हिमाचल ही कैप्चर है। फिर क्यों जय श्री हमने, मैं तो भाई लाली पुलिस वालों की चौकी है, अगर आप लोग यहाँ से जाओगे तो आप लोगों को यहीं से होके जाना पड़ेगा, ये आपको परमिशन नहीं देंगे। कैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे जी? यहाँ पे तो दोस्तों हमारा टेंट लग चुका है, राइड एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, कर लिया। अरे आलो पर एंडिंग आग जलाने की कोशिश करते हैं, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा निराशा होगी क्योंकि निराशा भी होगी लेकिन आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हमने यहाँ पर टेंट लगाया है। कहाँ भाई और बहन, वो भी पुलिस के सामने। आपको कॉफी से मतलब क्या नाता ऐसा हो गया जो आप बोल रहे हैं कि हमारी डेस्टिनेशन अभी गरुड़ गंगा के लिए है, क्योंकि अभी हम कहीं नहीं जा रहे, तो हमने सोचा क्यों कुछ ना कुछ तो दिखाया जाए आपको। अबे ज्यादा सोच मत बाबा, जितना ज्यादा सोचेगा उतनी ज्यादा फटेगी। एंडी बाबा को देखा भी है। पीछे जा पीछे जा। हम बोले हम बोले हम बोले हम बोले। ओहो जय हो जय हो। एक छोटे से कुत्ते ने हमारे काका को यहाँ पे डरा दिया है, ब्लड निकल गया, देखो यहाँ पे काट दिया उसने। रेबीज लगाना पड़ेगा, एंटी रेबीज। अरे बात तक गया क्या? एंटी रेबीज एंटीबॉडी लगाना पड़ेगा। अब हमारे डॉक्टर साहब के पीछे हो और ये बिल्कुल अभी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। फाइनली ये कैप्चर हो गया अभी। चलो बाकी अभी गरुड़ गंगा की तरफ चलते हैं ऊपर, वहाँ आपको दिखाते हैं गरुड़ गंगा का व्यू। चलिए दोस्तों वो आपके सामने गरुड़ गंगा है, काफी तेज वहाँ का बहाव है, अभी आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। बहुत ही ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जी हो रहा है। ये देख सकते हो आप, पानी का बहुत तेज बहाव, ये देखो जोखिम भरा सफर था हमारे लिए और बिल्कुल, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो फील हुआ वो पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, देख सकता हूँ। ये देखो वाटर प्रूफ है, टेंशन ना लीजिए।
और फिर भी पूरे भीग चुके हैं हम लोग। बाहुबली बाहुबली बाहु दोस्तों, यहाँ पे चावल मिलने वाला है, फ्राइड राइस बनाएंगे। हाँ फ्राइड राइस। तो गाइस अभी यहाँ से हमारा मूव हो रहा है नीचे के लिए। तो जैसे तो आप पता है कि हम लोग सप्तरी से नहीं गए, क्या दिक्कत हो गई थी वो भी आपको पता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।